नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मार्केट विद्यालय में स्वागत है। आज हम बात करेंगे RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। दोस्तों यह मेरा बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो मैं आपको RVNL बार बार रिकमेंड करता था। दोस्तों ये कंपनी आगे जाके एक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर के रूप में रिटर्न दे सकता है। क्यों? क्योंकि मैं इसके पीछे भी आपको रीज़न बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा हमने नया टेलीग्राम चैनल मार्केट विद्यालय के नाम से स्टार्ट किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड, दोस्तों इस कंपनी का सबसे बड़ा खासियत यह है कि इस कंपनी के पास अभी ऑनगोइंग भी बहुत प्रोजेक्ट है और अपकमिंग भी बहुत प्रोजेक्ट है। मैं आपको इसके कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहा हूं। जैसे कि पामबन ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बन रहा है। इसके अलावा ऋषिकेश कर्णप्रयाग न्यू लाइन, इसका सेटअप चल रहा है। उसके अलावा बंसपानी और दैतरी तुमका के बीच में 180 किलोमीटर का न्यू जो 180 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो बन रहा है। इस रूट पर पहले से एक ट्रैक है और उसे अभी यहाँ पे डबलिंग किया जा रहा है। उसके अलावा इस कंपनी के पास बरखेरा से बुधनी सेक्शन के बीच में जो भोपाल में है, यहाँ पे नया ट्रेन लाइन बिछाया जा रहा है। उसके अलावा मथुरा से झांसी के बीच में भी नया लाइन बिछाया जा रहा है। वहाँ पर दो लाइन तो ऑलरेडी है, अब यहाँ पर तीसरा लाइन को सेटअप किया जा रहा है। उसके अलावा हसपेट थाइटेड में भी यहाँ पर प्रोजेक्ट को डबलिंग किया जा रहा है। उसके अलावा इस कंपनी के पास बहुत से अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जैसे कि दनखुनी के बीच में यहाँ पे उसे रेल लाइन डबल करना, उसके अलावा रायपुर से तितलागढ़ के बीच में भी ट्रेन लाइन को डबल करना, उसके अलावा धनबाद से सारंग के सोननगर के बीच में अपने ट्रैक को डबल करना। तो इस कंपनी के पास काम की कोई समस्या नहीं है, मतलब काम की कोई मतलब इस कंपनी पर इतना काम है कि ये कंपनी के पास अभी जो प्रोडक्ट है उसे अभी जो प्रोजेक्ट है इसे भी ये कंपनी आगे बढ़ाए। तो इस कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि आपको मल्टीबैगर के रूप में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है। इस कंपनी को के बारे में हमें मतलब इसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि कंपनी आपको मल्टीबैगर के रूप में अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकते हैं। उसके अलावा ये कंपनी ने 498 किलोमीटर का नया रेल लाइन अभी हाल में सेटअप किया है। उसके अलावा 3483 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसे डबलिंग किया, जो ऑलरेडी ट्रैक था उसके बीच में यहाँ उसके साइड में और उन्होंने किया है। और उन्होंने 7355 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब पहले तो सिंगल रूट थे जो कोयला से चलता था या कुछ और से चलता था, अब यहाँ पे उन्हीं को फिर से सेटअप किया गया। जैसे कि आप देखते हैं कि ट्रेन रूट में ऊपर में इलेक्ट्रिक ऐसा लगे रहता है, उसे ही इसने अभी और एक्सटेंड किया है, मतलब उसे और बढ़ाया है। उसके अलावा इस कंपनी के पास 10 वर्कशॉप है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कंपनी के पास कितना है, इस कंपनी की क्षमता है। इसलिए मैं इस कंपनी को आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। दोस्तों अगर हम RVNL की बात करें तो ये स्टॉक जब भी 25-26 रुपये से था, मैं आप लोगों को बार बार रिकमेंड कर रहा था। पिछले दिनों यहाँ पे हमें 20% का अपर सर्किट देखने को मिला। दोस्तों इसका मार्केट कैप लगभग 9000 करोड़ के आसपास से मौजूदा 42 रुपये चल रहा है। 52 वीक हाई लो की बात करें तो इस कंपनी का 52 वीक लो 18 रुपये का है, 52 वीक हाई लगभग 43 रुपये का है। दोस्तों इस कंपनी के हम क्वार्टर बेसिस पर बात करते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी को लगभग 313 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जून वाले क्वार्टर में 232 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और अभी इसका सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट अभी आने वाला है, तो हमें यहाँ भी प्रॉफिट होने की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों साथ ही डिविडेंड भी पे करती है। अगर हम इस कंपनी की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट बता रहा हूँ, सेल्स देखिए, 2019 में 10000 करोड़ ऊपर का सेल्स था, 2020 में 14000 करोड़ ऊपर का सेल हुआ और अभी 2021 में 15000 करोड़ के ऊपर का सेल हुआ। तो सेल्स के मामले में भी लगातार ये कंपनी बढ़ रहा है। अगर हम इस कंपनी नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए 2019 में 688 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, उसके बाद 2020 में इस कंपनी ने 753 करोड़ का जनरेट किया प्रॉफिट, उसके बाद 2021 में इस कंपनी का प्रॉफिट जनरेट होके अब इंक्रीज होकर लगभग 922 करोड़ का हो गया। तो ये कंपनी को पता है प्रॉफिट कैसे जनरेट किया जाता है, जबकि आप पिछले साल देखे होंगे कि यहाँ पे कोरोना कारण कई यहाँ पे बंद थे कंस्ट्रक्शन, उसके अलावा भी इस कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया है। दोस्तों अगर हम
इस कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 78% प्रमोटर के पास है, 0.26% FII के पास है, DII के पास है, यहाँ पे लगभग 9% का स्टेक है और रेस्ट ऑफ यहाँ पे पब्लिक के पास है, लगभग 12% के ऊपर का स्टेक। दोस्तों अगर हम इस कंपनी की कुछ नेगेटिव चीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये है कि एज पर सेबी गाइडलाइन अभी प्रमोटर के पास 78% स्टेक है, आने वाले फ्यूचर में इन्हें और स्टेक को कम करना पड़ सकता है क्योंकि सेबी का रूल है कि 75% से ज़्यादा स्टेक प्रमोटर नहीं रख सकते। तो मैं इसे इतना बड़ा इशू नहीं मानता। हालांकि कंपनी देखिए 2019 से अब तक इसने धीरे धीरे करते हुए अपना जो प्रमोटर होल्डिंग है धीरे धीरे कम कर रहे हैं। 2019 पर तो 100% था, फिर 87% किया, फिर 78% अभी हालिया समय में है। तो अगर हम इस कंपनी की ओवरऑल बात करते हैं तो इस कंपनी में वो सारी खूबियाँ हैं कि आपको आने वाले समय में एक मल्टीबैगर के रूप में रिटर्न दिला सकता है। दोस्तों ये मेरा बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है। ये स्टॉक जब 10 रुपये 11 रुपये पर भी ट्रेड कर रहा था तब भी मैं आप लोगों को बताया था कि इस स्टॉक में पोटेंशियल है। हालांकि इसका IPO हमें 2-3.5 साल पहले ही आते हुए देखने को मिला था, लेकिन इस स्टॉक में सारी खूबियाँ हैं और सारे पोटेंशियल है कि आपको एक मल्टीबैगर के रूप में रिटर्न दिला सकता है।